बैच अपग्रेड हो चुका है और अब वो स्पेशल टास्क फोर्सेस की टीम में आ चुके हैं और इस टीम को अपने फोन की एक्सेस बहुत ज्यादा मिलती है। इसीलिए कई सारी आर्मीज ये सोच रही थी कि शायद BTS मेंबर जिमिन अपने बर्थडे पर लाइव आ जाए। हालांकि BTS आर्मीज की ये विश तो पूरी नहीं हुई, बट BTS मेंबर जिमिन के कई सारे मैसेजेस व्यूअर्स पर आ चुके हैं जिनको देखकर सभी BTS आर्मीज काफी ज्यादा खुश हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कि BTS मेंबर जिमिन ने अपने बर्थडे पर हम आर्मीज के लिए क्या क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस BTS मेंबर जिमिन ने अपना व्यूअर्स पर सबसे पहले मैसेज ये लिखा, एवरीवन आई एम हियर लॉन्ग टाइम नो सी। यानी कि फाइनली जिमिन ने एक मैसेज लिखा और उसमें बोला, हेलो एवरीवन मैं आ चुका हूँ बहुत टाइम के बाद। और उसके बाद जिमिन ने लिखा, इट्स माय बर्थडे। यानी कि जिमिन सभी आर्मीज को ये बताते हैं कि आज मेरा बर्थडे फाइनली आ चुका है। इसके बाद जिमिन ने एक बहुत बड़ा सा मैसेज लिखा जिसमें कि जिमिन ने बोला कि फाइनली आज मेरा बर्थडे आ चुका है, धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है और मैं काफी ज्यादा धीरे चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखो तो आपको रियलाइज होगा कि आपने काफी जल्दी वक्त गुजार लिया है, लेकिन अगर आप आगे चलो तो आपको फील होगा कि आप धीरे चल रहे हो। उसके बाद जिमिन ने बोला कि हेलो आर्मीज, कि जब भी मैं आपको मिस करता हूँ तो मैं जोर जोर से गाना गाने लगता हूँ कि आई मिस यू, आई मिस यू। काफी लंबा टाइम हो चुका है और आर्मीज आप बताओ कि आप क्या सोचते हो। फिर जिमिन ने ये बोला कि जब भी मैं ये दिन गुजारता हूँ तो सोचता हूँ कि आर्मीज की लाइफ कैसी चल रही होगी और आगे क्या होने वाला है हमारी लाइफ में, मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। आखिर एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करने के बाद कुछ हैप्पी मोमेंट्स ही याद रहते हैं और इसीलिए आर्मीज के लिए भी यही अच्छा है कि आर्मीज अच्छे दिनों को याद करें। और फिर जिमिन ने लिखा कि मुझे बहुत टाइम हो गया आर्मीज के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किए हुए और मैंने बोला ना कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई नो कि ये इजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं और इसीलिए मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। फिर जिमिन ने बताया कि मैं खाना अच्छे से खाता हूँ और वर्कआउट भी करता हूँ, इसीलिए आप सभी मेरी टेंशन मत लो और आप सभी का मुझे बर्थडे विश करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं काफी ब्लेस हूँ कि मैं मिलिट्री में हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे ये नहीं पता कि मैं इसका पे बैक आर्मीज को कब तक कर पाऊंगा, लेकिन जब भी मैं वापस आऊंगा तो मैं मेक श्योर करूंगा कि सभी चीजें काफी अच्छे से हों। और इसीलिए फिलहाल मैं हेजिटेशन के साथ लिख रहा हूं और इसीलिए जल्दबाजी में मैंने ये सब लिख दिया, लेकिन फिर भी आर्मीज मैं इस खास दिन को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। आप सभी के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। जिसके बाद जिमिन ने एक और मैसेज लिखा और उसमें जिमिन ने लिखा, सारेंगे एंड आई विल बी बैक। तो गाइस ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज कल जिमिन ने अपने बर्थडे के दिन लिखा था हम सभी आर्मीज के लिए कि हम सभी इसे पढ़ सकें और खुश हो सकें। तो गाइस आप सभी ने जिमिन के बर्थडे के लिए क्या क्या किया था मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।